अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। तो जनाब, आज मैं आपको अपनी YouTube फैमिली को, अपने व्यूअर्स को, देखने वाले को गोश्त सेव करने का तरीका बता रही हूँ। गोश्त को ज़्यादा देर तक के लिए आप कैसे फ्रीज़र में महफूज कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गोश्त को अच्छी तरह से भिगो लें, लेकिन भिगोना ज़रा डिफरेंट तरीके से है। आपने पानी में गोश्त को डालना है, साथ में सिरका आपने 2 चम्मच डालने हैं। 2 किलो में 2 चम्मच, यानी कि 1 किलो का 1 चम्मच सफ़ेद सिरका, ये डाल के आपने तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए भिगो देना है, भिगो के रख देना है। जब इसको हम अच्छी तरह से, ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अपनी बेटी से करवा रही हूँ। इस टाइम मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ और मेरी बेटी ये काम कर रही है। तो ये इसको हमने सिरका डाल के पानी में और गोश्त को भिगो के रख दिया। तकरीबन 1 से 1.25 घंटे या 1.5 घंटे बाद, ये देखें जनाब, ये तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजर गया भिगे हुए को। अब हम इसको अच्छी तरह से मसल मसल के, बड़े अच्छे तरीके से इसको मसल मसल के हमने इसको ना फिर पानी निकाल देना है। ये देखें इस तरह से हर एक बोटी अच्छे तरीके से इस पानी में हमने मसल लेनी है, यानी कि उसको इस पानी में अच्छी तरह से हमने धो लेना है। अभी ये प्रोसीजर ख़त्म नहीं हुआ, इसका पानी हम, ये ब्लड वाला सारा पानी, अब ये जो पहला पानी है निकाल लेंगे, फिर एक एक बोटी को ड्रेन, ये देखें ड्रेन कर रहे हैं हम इसको, स्ट्रेनर में डाल दिया। अब इसमें नलका खोल के तो इसको हम अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, इसका जो थोड़ा बहुत गंद चर्बी या कुछ जो एक्स्ट्रा छिचड़े वगैरह वो उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको नुचड़ने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे तरीके से तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसी तरह इसको स्ट्रेनर में पड़ा रहने दें, इसका पानी निचड़ जाएगा, गोश्त खुश्क हो जाएगा, तो फिर हम इसको शॉपर्स में डाल के तो पैकिंग करेंगे ताकि फ्रिज में ब्लड और पानी ना निकले। ये देखें हमने गोश्त के भी मुनासिब से हिस्से बनाने हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। ये गोश्त हमने अच्छी तरह से साफ़ करके धो के नुचड़ने के लिए रख दिया था, और अब ये देखें मैं मुनासिब सारे, क्योंकि बच्चे ईद का गोश्त इतने शौक से नहीं खाते तो बस मुनासिब ही रखते हैं। तो इसको डाल के, ये देखें शॉपर में डाला, इसको ऊपर से गिरा लगाई ये वाली इस तरह से, और हल्के हाथ से हमने इसका ना सारी हवा शॉपर में जो है ना वो निकाल लेनी है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि फिर जब गोश्त फ्रीज़ होगा तो फिर वो खुलना मुश्किल होगा। हल्के हाथ से आप इसकी हवा निकालें और इस तरह से पैकेट बनाएं और फ्रिज में रख लें, और तकरीबन 6 माह तक आप इसको महफूज कर सकते हैं। मेरा ये तरीकाकार, मेरा व्लॉग, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी बोलें कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाएं, और खुद भी करें, नए आने वाले भी और पुराने देखने वाले भी। तो ठीक है, फिर नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।